प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है MSQL इन्फोटेनमेंट में। आज हम आपको बीबी रजनी की कथा सुनाएंगे। गुरु रामदास जी के युग में पट्टी के राजस्व संग्रहकर्ता कारदार राय दुनी चंद की सबसे छोटी सातवीं बेटी रजनी को कोई जिक्र किए बिना नहीं छोड़ सकता। रजनी एक सिख थी, गुरु जी की शिष्या थी। एक दिन वह अपनी बहनों के साथ बैठी कुछ नए कपड़ों की प्रशंसा कर रही थी जो उन सभी ने अपने पिता से प्राप्त किए थे। लड़कियां बहुत खुश थीं और कह रही थीं कि उनके पिता उनके लिए कितने अच्छे थे। रजनी ने देखा कि सभी उपहार अंततः भगवान की ओर से हैं। उनके पिता उनकी महानता का एक साधन मात्र थे। दुर्भाग्य से उसके पिता ने उसकी टिप्पणी सुन ली और बहुत क्रोधित हो गए। ये पहली बार नहीं था कि अपनी अत्यधिक धर्मप्रायणता के कारण उसे उसका क्रोध झेलना पड़ा। क्रोधित पिता ने उसे कृतघ्नभागा मानकर उसकी शादी एक कोढ़ी से करा दी ताकि वह देख सके कि उसका भगवान उसे सामान्य जीवन जीने में कैसे मदद करेगा। कोढ़ी बुरी तरह विकृत हो गया था और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। बेचारी लड़की ने अपनी नियति को अटल रूप से स्वीकार कर लिया था और अपना तथा अपने अपाहिज पति का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वह भगवान का नाम सिमरन दोहराती रही और निश्चित थी कि घटनाओं के इस मोड़ से भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। उसे जीविका के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी उसने अपने कोढ़ी पति को नहलाया, खाना खिलाया और प्यार से उसकी देखभाल की, कभी विश्वास नहीं खोया। हालांकि गुरबानी में पति शब्द का तात्पर्य भगवान से है और पत्नी का तात्पर्य हम सभी से है। हालांकि ये यहाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि बीबी रजनी एक ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने अपने पति में भी भगवान के प्रकाश को स्वीकार किया था और अपने पति के लिए उनकी सेवा का एक विशेष अर्थ और भगवान की सेवा का एक रूप था। ये केवल पुरुष लिंग के प्रति तोड़फोड़ नहीं थी जैसा कि उस समय सामान्य समुदाय द्वारा आमतौर पर किया जाता था। कुला धारण करते समय दुल्हन वचन दे रही होती है, प्यारे पति, अगर तुम मेरा हाथ थामोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। पति, अगर तुम शादी के लिए मेरा हाथ थाम रही हो तो मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। एक दिन वह पड़ोसी गांव जाते समय एक तालाब के पास पहुंची। टोकरी जिसमें उसका पति था को पुल के किनारे रखकर संभवतः भोजन की तलाश में किसी काम पर निकल गई थी। इसी बीच उसके अपाहिज पति ने एक काले कौवे को तालाब के पानी में डुबकी लगाते और सफेद निकलते देखा। इस चमत्कार से आश्चर्यचकित होकर वह व्यक्ति रेंगते हुए तालाब के किनारे तक गया और डुबकी लगाने में सफल रहा। उन्होंने खुद को पूरी तरह से ठीक पाया। जब उसकी पत्नी वापस लौटी तो अपने पति को स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह सुंदर और संपूर्ण था। सबसे पहले वह घबरा गई और उसे संदेह हुआ कि वह कोई अलग व्यक्ति हो सकता है। हालांकि उसकी एक उंगली पर कुष्ठ रोग के निशान थे, वह उंगली जो दबाई नहीं गई थी। उसने अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में उसे रोगग्रस्त उंगली दिखाई। दंपति ने भगवान को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लेने के लिए गुरु के पास गए। ये पूर्व भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर का भविष्य का स्थल था। ऐसा कहा जाता है कि पानी के औषधीय गुण तुलसी से आए थे जो इसके तटों पर प्रचुर मात्रा में उगते थे। गुरु अमरदास जी उस संक्रमित पैर की अंगुली के लिए पुल्टिस बनाने के लिए वहाँ जड़ी बूटी चुनते थे जिससे गुरु अंगद जी पीड़ित थे। इस स्थल का पौराणिक महत्व तालाब सरोवर के जल के औषधीय गुणों पर प्रकाश डालता है। वहाँ रजनी का कोढ़ी पति ठीक हो गया। सखी, हमें दिखाती है कि यदि आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो एक दिन सारा फल हम पर बरसता है। बीबी रजनी ने सदैव गुरु और ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखी। उसके पास जो कुछ भी था उससे वह खुश थी और अंत में उसे इसका फल मिला। बीबी रजनी अपने अद्वितीय समर्पण के लिए जानी जाती थी और उन्होंने अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब के पवित्र कुंड के निर्माण के माध्यम से समुदाय को पुरस्कृत किया। बीबी रजनी सात पुत्रों की माँ बनी। सबसे बड़े पुत्र का नाम स्वयं गुरु रामदास जी ने भाई गुरमुख रखा। गुरु रामदास जी ने उनके पति भाई मोहन को कपड़े का व्यापार शुरू करने के लिए कहा। दुनी चंद, जिन्हें अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, गरीब हो गए और अपने आखिरी दिन बीबी रजनी के साथ गुजारने लगे। अपना कीमती समय निकाल के ऐतिहासिक कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।